नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 का जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था अपना, उसके अंदर जो है कि हमने मुख्य फसलों के बारे में पढ़ा था। सॉरी, चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा था अपना, उसके अंदर मुख्य फसलों के बारे में अपने पढ़ रहे थे। दो प्रकार की फसलें जो हैं मुख्य खाद्य अनाज के रूप में जो जानी जाती हैं, चावल और गेहूँ, उनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पर है, मिलेट। मिलेट का अर्थ होता है मोटा अनाज, यानी जो फसलें मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है, जो फसलें मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है, वह सारी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं? मिलेट के अंतर्गत आती हैं। अभी देखते हैं इसके लिए उपयुक्त जो वातावरण है वो कैसा रहता है। उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त वातावरण की अगर अपनी चर्चा करते हैं तो इसमें क्या है, ऐसी फसल है जिसके लिए कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। मध्यम वर्षा, मध्यम से उच्च तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता रहती है। पर्याप्त सूर्य प्रकाश की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। इसके अंतर्गत अगर बात करते हैं अपनी मृदा की, मिट्टी की, तो इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वह कम उपजाऊ और बलुई मृदा में है, इस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जो कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा के अंतर्गत इस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब जो ऐसी फसलें हैं इसके लिए जो हमने पढ़ा कि मध्यम तापमान वगैरह चाहिए होता है, इसके अंतर्गत जो मुख्य फसलें आती हैं वो कौन कौन सी हैं? मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं पहले उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सबसे पहले बात करते हैं। मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो हैं ये इसकी प्रमुख फसलें हैं और यह क्या है, ज़्यादातर भारत में उगाई जाती हैं। तो इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हो गए? एक तो भारत हो गया है, इसके अलावा नाइजीरिया, चीन, नाइजीरिया, चीन व नाइजर इसके अन्य उत्पादक क्षेत्र आते हैं। तो साधारण सी है, इसमें मध्यम वर्षा चाहिए होती है और मध्यम से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश अधिक चाहिए होता है या पर्याप्त रूप से मिलता रहे। ज्वार, बाजरा, रागी, भारत, नाइजीरिया और चीन या नाइजर जैसे क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। अभी बात करते हैं अपनी फसल संख्या 4 की, तो चौथी जो फसल है वो अपनी वो है मक्का। मक्का की फसल के अंतर्गत क्या होता है कि एक तो क्या है, इसके लिए तापमान
उपयुक्त वातावरण कैसा रहता है? मध्यम तापमान, तापमान इसको मध्यम प्रकार का चाहिए होता है, ना तो ज़्यादा अधिक और ना ही ज़्यादा कम। इसके अलावा वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। वर्षा साथ ही साथ अधिक धूप की आवश्यकता होती है। आवश्यकता रहती है। अगर अपने इसके बारे में बात करें मिट्टी की, तो क्या है, सुअपवाहित उपजाऊ मृदा इसके लिए आवश्यकता रहती है। मृदा में सुअपवाहित सुअपवाहित उपजाऊ मृदा इसके लिए उत्तम रहती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं उत्पादक क्षेत्र। तो उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक राष्ट्र है, चीन या रूस। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फसल हो और भारत का नाम ना आए, ठीक है। तो कनाडा, भारत, मेक्सिको, ये क्या है, इसके उत्पादक राष्ट्र हैं या उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पैदावार की प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट अपने जो बात करेंगे, जो मुख्य फसल है कपड़े के लिए, फसल संख्या 5 होगी अपनी। फसल संख्या 5 के अंतर्गत है कपास। कपास के लिए क्या है, उच्च तापमान इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसको बढ़ने के लिए क्या है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। हल्की वर्षा हल्की वर्षा 200 या 210 दिन 200 या 210 दिन ऐसे होने चाहिए जहाँ जिसमें क्या है, पाला ना पड़ता हो, यानी पाला रहित। अधिक ठंड ना, ठीक है, ऐसे दिन जिनमें क्या है, ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती हो, ऐसे कम से कम 210 दिन इसको चाहिए होते हैं। इसके लिए क्या है, तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा मिट्टी की बात करते हैं अपने मृदा। तो जो मिट्टी है इसके लिए उपयोगी, वह जलोढ़ मिट्टी के है सर्वोत्तम रहती है। इसके अलावा काली व जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम है इसके लिए। उत्पादक क्षेत्र
इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिश्र, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिश्र उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर क्या है, कपास का उत्पादन अग्रणी रूप से किया जाता है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, इसके लिए जो नोट बात है वह सूती वस्त्र उद्योग हेतु कच्चा माल, नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं कपास के द्वारा सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट जो अपनी फसलें रहेंगी वह है पटसन की फसल, पटसन, पटसन की फसलों की बात करते हैं तो इनको क्या है, सुनहरा रेशा, सुनहरा रेसा के नाम से इनको जाना जाता है, दूसरा नाम है इनका पटसन की फसलों को। इसके लिए जलोढ़ मृदा अच्छे ढंग से विकसित होता है, यह है जलोढ़ मृदा उपयुक्त रहती है। इसके अलावा इसमें उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान, अधिक वर्षा और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता रहती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, यानी उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र उष्णकटिबंध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आर्द्रता के वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो उगाने उत्पादक राष्ट्र हैं वह भारत और बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश। अग्रणी उत्पादक है, दो इसके क्या है महत्वपूर्ण अग्रणी उत्पादक राष्ट्र हैं। नेक्स्ट अपनी जो फसल है वो प्रमुख पेय पदार्थ के रूप में जानी जाती है, फसल संख्या 7 कॉफी। कॉफ़ी कह लीजिए या कहवा कह लीजिए, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। गर्म व आर्द्र जलवायु, दोमट मृदा, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, दशाएं हैं। इसके अलावा इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयोगी रहती है।
तीसरा जो है इसके लिए वो है पर्वतीय ढाल। चाय और कॉफ़ी दोनों के लिए उपयोगी होती है पर्वतीय ढाल। सीढ़ीनुमा खेतों में इस प्रकार की खेती की जाती है, पर्वतीय ढाल उपयोगी रहती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का उत्पादक है सबसे पहले नंबर पर, इसके बाद कोलंबिया और भारत आते हैं, यानी उत्पादन वातक क्षेत्र की चर्चा करें अपने, तो ब्राज़ील सबसे पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर भारत, सॉरी कोलंबिया और तीसरे नंबर पर भारत, इसके सबसे अग्रणी उत्पादक राष्ट्रों में से एक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, क्या है इसको कॉफ़ी सबसे पहले क्या है पाई कहाँ गई या किस प्रकार से पाई गई या किस प्रकार से इसको क्या है उपयोग में लाया जाए। तो देखो बात ये है कि इतिहास की बात है, इस प्रकार की चर्चा है या कहानी मानी जाती है कि तकरीबन 850 ईसा पूर्व क्या है एक व्यक्ति था जो बकरियां चराया करता था, भेड़े चराया करता था अफ्रीका के जंगलों में, ठीक है। वहाँ पर इसने क्या है एक जो अरबवासी था उसने देखा कि इसकी जो बकरियां हैं भेड़े हैं वो एक प्रकार के जो पौधे लगे हैं उनके फलियों को खाकर बहुत ज़्यादा एनर्जीफुल रहती हैं, उछलती कूदती बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसने चेक किया कि ऐसा क्या है इन फलियों में, तो उसने जो फलियों के बीज हैं उनको निकाल कर पीस कर उपयोग में लिया और बाद में क्या है सभी लोगों को बताया कि इस प्रकार से है एनर्जी देने वाला पेय पदार्थ है। तो तब से क्या है कॉफ़ी एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो तब से क्या है महत्वपूर्ण पेय पदार्थ के रूप में कॉफ़ी जानी जाती है। तो अपनी फसलें हो गई हैं पूरी 7। नेक्स्ट चलते हैं अपने फसल संख्या 8 पर, जो अपनी है अगली पेय पदार्थ के रूप में जो जानी जाती है कॉफ़ी के बाद चाय। भारत का सबसे प्रमुख पेय पदार्थ है यह, बगानों में उगाई जाने वाली यह है एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियां की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। एक तो क्या है इसको ठंडी जलवायु यानी पहाड़ी क्षेत्र चाहिए भाई, सीधी सी बात है। दूसरा वर्ष भर समवितरित वर्षा यानी यह नहीं हो कि एक बार में लगातार वर्षा हो जाए, इसको क्या है थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर क्या है वर्षा की आवश्यकता रहती है। इसके लिए सुअपवाहित दुमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। एक तो क्या है दोमट मृदा जो पानी को अवशोषित न करे और मंद ढाल, जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि पर्वतीय ढाल चाहिए होती है, इसमें क्या है ज़्यादा ढाल चाहिए, पर्वतीय ढाल यानी खड़ी ढाल होती है, इसमें मंद ढाल चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। वैसे एक प्रकार के क्षेत्रों में उत्पादन होता है चाय और कॉफ़ी का, ठीक है। इसमें बस क्या है फलियां लगती हैं जिसके बीज काम में लिए जाते हैं पीसकर, और इसकी पत्तियां होती हैं जिनको पत्तियों के रूप में काम में लिया जाता है, चाय पत्ती के रूप में, ठीक है। तो मंद ढाल की आवश्यकता होती है ताकि पानी रुके नहीं आगे चलता रहे। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी श्रमिक अधिक संख्या में चाहिए होते हैं क्योंकि पत्तियों को चुनने हेतु पत्तियों को चुनने हेतु क्या है जो श्रमिक है उनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होती है, यानी श्रम की आवश्यकता इसके अंतर्गत अधिक रहती है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वह रहेगा कि कृषि का विकास
कृषि का विकास, इसको अपने इस साइड देख लेते हैं। कृषि के विकास के अंतर्गत, इस पॉइंट के अंतर्गत क्या है, अपने को इस बात के ऊपर चर्चा करनी होगी कि जो अलग अलग प्रकार की खेतियां की जाती हैं वाणिज्यिक रूप से या गह जो जीवन निर्वाह कृषि है, उनमें क्या है, डिफरेंस क्या रहता है, किस आधार पर वो इन प्रकार से बंटी रहती है। जैसा कि हमने देखा कि फसलें तो एक ही हैं दोनों में, मक्का है या गेहूँ है या चावल है, लेकिन उनमें अंतर आ रहा है कि एक तो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन किया जा रहा है, दूसरा जीवन निर्वाह के रूप में उत्पादन किया जा रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, विकास किस प्रकार से कृषि को प्रभावित करता है। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास, यानी इसको समझते हैं इस प्रकार से कि जैसे जैसे लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके अनुसार क्या है उनकी आवश्यकताएं अनाज के लिए या अन्य चीज़ों के लिए क्या है बढ़ती जाएंगी, नॉर्मल सी बात है। उन सभी की पूर्ति हेतु, क्योंकि देखो अपने पास जो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था भूमि संसाधन था, वो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, जितनी भूमि हमारे पास है उतनी ही पर्याप्त है या उतनी में ही हमें काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उनकी ज़रूरतें तो बढ़ती जाएंगी, उनको पूरा करने के लिए क्या है अनाज ज़्यादा चाहिए होता है, पेय पदार्थ के रूप में जो पेय फसलें हैं उनका ज़्यादा उपयोग चाहिए, कपड़ा उत्पादन वाली फसलें हैं वो भी ज़्यादा चाहिए। तो क्या क्यों, क्योंकि खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए सभी की आवश्यकताएं होती हैं, बेसिक नीड्स हैं, ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं। तो उसके आधार पर क्या है, ऐसा क्या विकास किया जाए कि कम स्थान पर अधिक से अधिक क्या है उत्पादन किया जा सके फसलों का, जिससे क्या है सभी की पूर्ति हो सके। उस सभी की पूर्ति हेतु अधिक उत्पादन प्राप्त करने का कार्य जो किया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, कृषि का विकास कहते हैं। यानी आज तक अपने क्या है अधिक क्षेत्र में क्या है उत्पादन करते आ रहे हैं, तो जितना उत्पादन हो रहा है उतना पर्याप्त था तो ठीक था, लेकिन अभी क्या है हमारे पास जो कृषि का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा कम है और उसके अनुरूप क्या है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो उन सभी की पूर्ति हेतु क्या है हमें कृषि का विकास करना होगा इस प्रकार से, जिससे क्या है सभी की आवश्यकताएँ पूर्ति हो सके। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, ठीक है। पहली बात तो बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, अब देखो जो क्षेत्र अपने बो रहे हैं उस क्षेत्र में विस्तार कर दीजिए, ठीक है। जो जोते हमने बनाई थी, जो क्या है अलग अलग बंटवारे के कारण छोटी हो गई हैं, उनको क्या है एक साथ जोड़कर उत्पादन कीजिए। तो जो बंटवारे के कारण जो स्थान में गैप आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ों क्या है इससे अवॉइड होंगी, जिसके कारण उत्पादन बढ़ेगा। सेकंड अगर पॉइंट की बात करते हैं अपने, तो बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, ठीक है, फसलों की संख्या बढ़ाकर, अगर एक बार में क्या है अपने एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर अपने इस प्रकार से जोतें बनाई हैं खेती के लिए, तो यह क्या है हमने एक फसल लगाई है, या मान लीजिए क्या है इतने क्षेत्र में एक फसल है और इतने क्षेत्र में एक फसल है, वहीं अगर अपने इसको इस प्रकार से दो और बीजते हैं, यानी एक बार में क्या है दो प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं या एक से अधिक फसलों का उत्पादन एक बार में किया जाता है, तो अपने क्या है वर्ष में ज़्यादा फसलों का उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए क्या है और भी ज़्यादा आधुनिकता हमें प्राप्त होनी चाहिए, इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके। तीसरा पॉइंट क्या होगा, सिंचाई सुविधा में सुधार सबसे इम्पोर्टेंट है। जो कृषि है उसका आधार सिंचाई पर चलता है, वर्षा का कोई निश्चितता नहीं होती, खासकर मानसूनी जो क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की कोई निश्चितता नहीं पाई जाती है फसलों के अंतर्गत। तो सिंचाई सुविधा में क्या है सुधार करना अति आवश्यक है इसके लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। इसके अलावा उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए। चार नंबर पॉइंट अपना रहेगा उर्वरकों और
व उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग हमें करना चाहिए, जिससे क्या है अधिक उत्पादन होगा या उर्वरकों का इस्तेमाल करके अपने क्या है फसल की गुणवत्ता का सुधार कर सकते हैं। कृषि का मशीनीकरण भी क्या है इसके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, मशीनीकरण, क्योंकि मानवीय कार्यों के द्वारा क्या है संयोगवश भूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जिसके कारण क्या है जो मशीनीकरण होगा उससे फ़ायदा यह रहेगा कि भूल होने का जो कार्य है वह नहीं रहेगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर जो 6 रहेगा अपना वह कृषि के विकास का चरम लक्ष्य क्या है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना रहता है, तो इसलिए क्या है भंडारण की सुव्यवस्था। अब एक चीज़ गौर करने वाली है कि भारत में क्या है अनाज का उत्पादन तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन अपने क्या है उस अनाज का उपयोग नहीं कर पाते, उसको क्या है ना ही तो निर्यात कर पाते हैं और ना ही क्या है जनता तक पहुंचा पाते हैं उसको सही स्थिति में, क्योंकि हमारे देश में क्या है भंडारण की जो व्यवस्था है वो बहुत ही निम्न स्तर की पाई जाती है, जिसके कारण क्या है जो उत्पादित फसल है वह भी उत्तम प्रकार से क्या है प्राप्त अपने नहीं कर सकते हैं। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में क्या है विभिन्न गतियों से हुआ है, अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जैसा आपने पढ़ा था कि गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है विकासशील देशों में की जाती है जहाँ पर क्या है अधिक जनसंख्या होती है, इसके बजाय जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है वहाँ पर क्या है वाणिज्यिक प्रकार की कृषि की जाती है, जिससे क्या है व्यापारिक रूप से वहाँ उनको फ़ायदा होता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो हमने बताया था कमी क्या है, एक तो गहन निर्वाह है कृषि के अंतर्गत क्या होते हैं छोटी जोतें होती हैं, छोटी जोत ठीक है या छुपी हुई बेरोजगारी रहती है, जिस काम को क्या है आराम से 2 या 3 लोग कर सकते हैं उसमें क्या है 7-8 लोग जो परिवार के जितने भी लोग हैं वो लगे रहते हैं ठीक है, तो यह विकासशील देशों में इसके कारण होता है, या सिंचाई की आवश्यक जो व्यवस्था है सिंचाई प्रौद्योगिकी निम्न स्तर की होती है, वहीं क्या है जो दूसरा अपना प्रकार होता है उसके अंतर्गत क्या है वाणिज्यिक कृषि मशीनीकृत कार्य उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग उसमें क्या है जैसे अपने अगर एग्जांपल लेके देखते हैं तो जो अमेरिका का मान लीजिए कोई किसान है तो वह क्या है कंप्यूटर के द्वारा सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करवाता है, अपनी मिट्टी की जांच करवाता है समय समय पर ठीक है, वह इससे रिलेटेड जो जानकारियां होती हैं इंटरनेट की सहायता से स्वयं प्राप्त करता है और जो सुधार करने चाहिए इंटरनेट की सहायता से वो सारी चीज़ें करता है। वहीं अगर बात करते हैं अपने छोटे किसान जो मान लीजिए भारत के हैं विकासशील देशों के जो किसान हैं वो क्या है इस प्रकार की जो नवीन प्रौद्योगिकी है उसमें विश्वास कम करते हैं, वो प्राचीन जो तरीके हैं उनमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं और उसके आधार पर ही अपना कार्य करने का प्रयास करते हैं, या जो नई प्रौद्योगिकी है उसमें क्या है उनको उपयोग करने का जो तरीका होता है वो नहीं आता होता है, जिसके कारण वह क्या है कुछ गलत चीज़ें रुकाव भी कर लेते हैं, समय समय पर जांच या जो फसलों में सुधार करने का आवश्यकता होती है वो चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं। तो ये साधारण सी चीज़ों का जो डिफरेंस है उसी के कारण क्या है उत्पादन में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और जो विकासशील देश हैं वो जितना उत्पादन कर सकते हैं जैसे भारत है वो उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं बहुत सी स्थितियों के कारण, वहीं पर जो वाणिज्यिक खेती करने वाले जो विकसित देशों के किसान हैं वो इस प्रकार का कार्य आसानी से कर लेते हैं, तो इसमें